हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड फन हब। आज हम अपने चैनल में हेल्थ एजुकेशन एंड फन के हेल्थ पार्ट में से जो वीडियो आपके सामने लाए हैं वो है चीनी के बारे में। चीनी यानी शुगर। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि चीनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, हमें डेली खाना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए, या अगर हमें छोड़ना है तो उसके हमें क्या रिप्लेसमेंट है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, चीनी हमारे लिए डेली डाइट का एक अहम हिस्सा है। हम में से बहुत से लोगों की शुरुआत होती होगी एक कप चाय के साथ और उसमें चीनी। किसी को कम चीनी पसंद होती है, किसी को ज़्यादा चीनी पसंद होती है। देखिए, बहुत से लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा, जिन लोगों को मोटापे की शिकायत होती है, कि आप चीनी खाना कम कीजिए, या फिर बहुत जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ये भी बोल देते हैं कि चीनी खाना छोड़ दीजिए। हम सब लोगों में से सबकी डेली डाइट में मिनिमम एक दो बार, या मैक्सिमम तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है हम उतनी बार मीठा खाते हैं। और वो मीठा जो हम खाते हैं उसमें ज़्यादातर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको आगे बताते हैं कि क्या हमें डेली डाइट में चीनी खाना ज़रूरी है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम आगे। देखिए, हमारा जो ह्यूमन डीएनए होता है वो तीन ग्रुप से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर बेस। तो इसका मतलब शुगर को, हमारी बॉडी को शुगर की नीड है। लेकिन जो शुगर को हमारी बॉडी की नीड है, क्या वो चीनी से ही मिलती है, या उसके और भी अदर रिप्लेसमेंट हैं जो हम खा के चीनी की जगह उन चीज़ों को अपने डेली डाइट में ला सकते हैं। तो देखिए, ये बात तो तय हो गई कि हाँ, शुगर को हमारी बॉडी को नीड है शुगर की। चलिए पहले हम बात करेंगे कि चीनी से हमें नुकसान क्या क्या है। देखिए, चीनी जो जिनको वेट लॉस करना होता है उनके लिए चीनी बहुत ही नुकसानदायक है, उनको चीनी कम कर देना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। जिनको मोटापे की शिकायत है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी चीनी फायदेमंद नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि हमें चीनी क्यों नहीं खानी चाहिए, उसके रिप्लेसमेंट, उसके फ़ायदे नुकसान हम आगे भी बात आपसे बताएंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि हमें चीनी क्यों नहीं खानी चाहिए। देखिए, चीनी जिस तरीके से बनती है उस तरीके में बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग होती है और उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। हम सब जानते होंगे कि चीनी गन्ने के रस से बनती है, उसकी केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, आगे उसको ब्लेंड करते हैं, पकाते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग है उसमें। जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, और वो जो केमिकल हैं वो प्रोलॉन्ग में अगर हम देखा जाए तो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं, और हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं इसीलिए हमें मोटापे की शिकायत होती है, और हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं उसी से हमें बहुत से लोगों का डायबिटीज़, या आप आजकल का खान पान देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की बीमारियाँ पकड़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को, जब हम चीनी खाते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग हुई है, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा बना रहता है। तो पहली तो हो गई ये बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग है, केमिकल यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमें नहीं खाने चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, चीनी एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। एडिक्टिव मीन्स जिस चीज़ को हमें छोड़ने में बहुत डिफ़िकल्टी हो, जिस चीज़ को हमें गिव अप करने में बहुत टाइम लगे। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूँ, लाइक अल्कोहल या सिगरेट की लत, जिसको छोड़ने में आपको बहुत मुश्किल होती है और आपको उसको करने का बार बार मन करता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अगर आप किसी को स्वीट ऑफर करते हैं तो वह एक लड्डू उठाता है, एक लड्डू खाने के बाद उसका मन करता है एक और, तीसरा और, चौथा और, क्योंकि चीनी में एक तरीके का नशा होता है, ये एडिक्टिव होती है, हमारा बार बार मन करता है इसको खाने का। और चीनी का एक और नुकसान है, जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं उनको हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, ओबेसिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, हमारी जितनी भी पैकेज इंडस्ट्रीज हैं, पैकेज इंडस्ट्रीज मीन्स जो भी पैकेज्ड फूड है, लाइक कोक, चिप्स, फ्रूट जूसेस, ये सब में शुगर चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनमें चीनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसलिए जो लोग चीनी खाने की छोड़ने की सोच रहे हैं, चीनी खाना कम करना चाहते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए।
तीसरा पॉइंट, देखिए जो हमारा खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसको पचाने में हमारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन चीनी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमारी इंटेस्टाइन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जिस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसी की वजह से हमें मोटापे, हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा चीनी खाने से हमें रिंकल्स, एक्ने, इन सब की भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए चीनी खाने के मुझे कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहे हैं, बट नुकसान बहुत सारे हैं। अब हम उन लोगों से बोलेंगे जिनको मीठे खाने का बहुत शौक होता है, उन्हें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम मीठा खाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं कि चीनी मत खाइए। आप उस चीनी की जगह उसके जो अच्छे रिप्लेसमेंट हैं, इनफैक्ट हेल्दी एंड टेस्टी रिप्लेसमेंट है, आप उनको अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ उन्हीं चीनी के रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि चीनी की जगह हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल अपने डेली डाइट में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने इनको एक तरह से तीन तरह के ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप जो कि बहुत कॉमन है, मोस्टली लोगों को पता होता है। दूसरा जो थोड़ा सा लोगों को नहीं पता होता या बहुत कम लोगों को पता होता है। और तीसरा जो जो आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है और हमें बहुत कम लोगों को वो चीज़ वो पता होता है। तो पहले ग्रुप में मैंने डाला है जैगरी और शक्कर, जैगरी का पाउडर फॉर्म। दूसरा खांड। तीसरा धागे वाली मिश्री। दूसरे ग्रुप में मैंने डाला है कोकोनट शुगर, डेट शुगर, हनी। और थर्ड ग्रुप में मैंने डाला है स्टीविया यानी मीठी तुलसी। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। तो पहले ग्रुप की मीन्स जैगरी और शक्कर, देखिए जो गुड़ होता है वो बहुत ही रॉ फॉर्म होता है शुगर का। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, गन्ने के रस को गर्म करके ब्लेंड करके जमाते हैं, उससे जो पहले स्टेप पे जो चीज़ मिलती है वो होती है गुड़। इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। और कहते हैं गुड़ जितना डार्क होता है उतना अच्छा होता है, ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म होता है शुगर का। और इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। ये नहीं कि इसका चीनी का रिप्लेसमेंट है इसलिए हम खा रहे हैं, नहीं, इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, जितने और भी हम बताएंगे रिप्लेसमेंट चीनी के, उन सब में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जो गुड़ होता है उसकी तासीर गर्म होती है, और जो शक्कर होती है गुड़ का पाउडर फॉर्म, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो गुड़ को ज़्यादातर लोग सर्दियों में खाते हैं, आप इसे गर्मी में भी खा सकते हैं एक मॉडरेट अमाउंट में। और शक्कर को आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ और शक्कर दोनों का उपयोग मिल्क, दूध में, खीर में, ओट मील में, दलिए में, जो मीठा दलिया हम खाते हैं दूध वाला, उसमें डाल के खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। दूसरे नंबर पे मैंने दिया है खांड को। देखिए अब मैं इसको अगर बोला जाए तो खांड एक टाइम पे बहुत ही इजीली अवेलेबल होती थी किराना स्टोर पे, लेकिन हमने इसे अपनी डेली डाइट से कब हटा दिया हमें ही पता नहीं चला। तो आज भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक दो किराना स्टोर पे जाएंगे उसके बाद हमें मिलती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म है शुगर का, ये भी नेचुरल है। गुड़ के बाद नेक्स्ट बाद जो स्टेप आता है उसमें हमें जो मिलती है वो खांड होती है। खांड की तासीर ठंडी होती है, बच्चों को दूध में डाल के दे सकते हैं। सेम हम कॉफ़ी, चाय, मिठाइयाँ जो बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, उसमें डाल के हम खांड का उपयोग कर सकते हैं, और खांड स्वाद में बिल्कुल चीनी जैसी ही लगती है। तीसरी हम बात करते हैं मिश्री की। देखिए खांड का जो पाउडर होता है उसी को जमाते हैं, उसके अंदर लंबे लंबे धागे डालते हैं और उसी से मिश्री बनती है। मिश्री को बहुत बहुत लोग, या मैं बोलूँगी आप मिश्री को पीस के रख लीजिए, ग्राइंड करके रख लीजिए, और आप उसको
चाय में डाल के, कॉफ़ी में डाल के। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें गुड़ वाली चाय अच्छी नहीं लगती है, अगर हम कॉफ़ी में गुड़ डालेंगे, शक्कर डालेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप उसकी जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, यकीन कीजिए स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता। और बजट फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है, और इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है मिश्री। मिश्री के बहुत फ़ायदे हैं, अनगिन फ़ायदे हैं। तो मैंने जो अपने पहले ग्रुप में, आप इन तीनों को ही अपनी चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ का टेस्ट हमें पसंद नहीं है अपनी चाय में या कॉफ़ी में पसंद नहीं है, तो आप उसकी जगह खांड और मिश्री बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों की कैलोरी और चीनी की कैलोरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन चीनी खाने के नुकसान बहुत हैं और अन्य चीज़ों के खाने के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। तो मैं बोलूँगी आप चीनी की जगह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में डाला है कोकोनट शुगर, डेट शुगर, हनी। हनी, इन सब हनी के बारे में हम सबको पता है, हनी के फ़ायदों के बारे में हम सबको पता है, इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत यूज़ होता है, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हनी से खाई जाती हैं। लेकिन जब मीठा खाने की बारी आती है तो हम हनी को भूल जाते हैं। अब बहुत से लोग दूध में बच्चों को चीनी डाल के देते हैं, आप उसकी जगह हनी डाल के दीजिए। देखिए, बच्चों को अच्छा भी लगेगा, उनके लिए हेल्दी भी है, और हनी वैसे भी ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। आप इसको दूध में, ओटमील में, खीर में, इनफैक्ट दलिये में भी डाल के खा सकते हैं। हनी के फ़ायदे जितने बोलो उतने कम हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि वेट लॉस में भी हनी का नाम सबसे पहले आता है। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ हनी लीजिए। तो हनी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ ये सब चीज़ों का, नेचुरल शुगर का उपयोग अपने डेली डाइट में ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं कोकोनट शुगर की। कोकोनट शुगर बनती है कोकोनट ट्रीज की डंडियों से। कोकोनट वाटर अगर आपने पिया है तो बहुत मीठा होता है, तो उसी तरह कोकोनट ट्री की जो डंडियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत मीठा, बहुत सारा मीठा पानी होता है, उन्हीं से हम बनाते हैं कोकोनट शुगर। नो केमिकल प्रोसेसिंग। हाँ, आपको ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको दूसरे ग्रुप में डाला है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। आप किसी भी ऑनलाइन उस शॉप से आपसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं डेट शुगर की। देखिए, अगर आप कभी वेस्ट बंगाल की तरफ गए हैं तो आपने डेट शुगर के बारे में ज़रूर सुना होगा, खजूर का गुड़। खजूर वैसे ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो जो खजूर होता है उसी से ये गुड़ बनता है। जैसे छुआरा, आप इसको घर में बना के रख सकते हैं। खजूर को ड्राई रोस्ट कीजिए या फिर हल्का सा घी डाल के रोस्ट कीजिए, जैसे हम काजू भूनते हैं, आप उसको रोस्ट करके, ग्राइंड करके मिक्सी में रख सकते हैं। वही होता है डेट शुगर, खजूर का गुड़ जिसको हम बोलते हैं। देखिए, कॉफ़ी और चाय में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घुलता नहीं है अच्छे से, लेकिन आप इसको अपने दलिये में, ओटमील में, हलवे में डाल के आराम से खा सकते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो अपनी चाय में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी होता है। डेट्स के फ़ायदे तो आप बहुत लोगों ने सुने होंगे, जिनको आयरन डिफिशेंसी होती है उनको डेट्स खाने चाहिए, तो इसलिए डेट शुगर का खुद में ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं बात करूँगी तीसरे ग्रुप की। तीसरे ग्रुप में मैंने डाला है स्टीविया, यानी मीठी तुलसी। मीठी तुलसी चीनी से भी ज़्यादा मीठी होती है, और सबसे बड़ी बात, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसे हम कैलोरी की मैं पहले बात कर रही थी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़ीरो होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है और जिनको चाय या कॉफ़ी में मीठा खाने का मन करता है, वो स्टीविया का इस्तेमाल बेझिझक बिना किसी डर के कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़ीरो होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टीविया का यूज़ तो हमारी बहुत ही एंशियंट टाइम से आयुर्वेदा इसकी मेडिसिन में वाइडली तरीके से किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और ये भी आपको ऑनलाइन में सैशे के फॉर्म में आराम से मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको मीठा खाने से नहीं मना कर रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि आप चीनी मत खाइए और उसकी जगह ले आइए ये सब हेल्दी ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको सबको बताए हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हमारा मोटिव जो है आजकल, हम लोग सब बहुत वेट लॉस के चक्कर में पड़े हैं, हमने वेट कम करना है। मैं आपको बोलूँगी, वेट लॉस नहीं, हेल्दी रहना आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी खाओगे, तो आपका वेट शायद कहीं ना कहीं, अगर आपका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है या कुछ और इशू नहीं है, तो आपका वेट खुद ब खुद ही मेंटेन रहेगा। और अगर आप 1-2 kg ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमारा मोटिव होना चाहिए हेल्दी रहना, सबसे पहला मोटिव होना चाहिए हेल्दी रहना। तो फिट रहिए दोस्तों, 30 मिनट का वर्कआउट, वॉकिंग, रनिंग, 20 मिनट का एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।